दोस्तों बात करेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन के बारे में, क्या होता है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ठीक है, तो समझते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ही आसान भाषा में आपको आज पूरा समझ में आ जाएगा। अभी देखो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से है, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई है, बहुत लोगों ने इसमें कालाबाजारी की है। तो हर व्यक्ति के मन में आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है, तो आप समझते हैं क्या होता है। दोस्तों एक मशीन होती है 20 से 25 किलो की एक मशीन होती है। ठीक है, ये वेट में क्यों बता रहा हूँ, वजन क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का भी आपको कारण समझ में आएगा। 20 से लेके 25 किलो या 18 किलो तक की एक मशीन होती है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, आप इस तरह से फोटो में देख लो, ये एक मशीन होती है। अलग अलग कंपनियाँ इसको बनाती हैं, कंपनी कौन सी, फिलिप्स, यही सब बनाती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती हैं वही कंपनियाँ इसको बनाती हैं। तो कुछ कंपनियाँ इसको बनाती हैं और इसकी कीमत जो होती है लगभग 8,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अभी कोविड के टाइम में ये 70-80 हज़ार तक का ही मिल रहा है, 80,000, 90,000 तक का भी ये मिल रहा है, वो बात अलग है। तो समझते हैं ये मशीन करती क्या है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो वायुमंडल है, एनवायरमेंट है, इसमें हवा है, तो हवा के अंदर क्या 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन और अदर गैसेज हैं। और एक आम आदमी के लिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, नॉर्मली 21% हम काम चला लेते हैं। ठीक है, 21% मिल रही है हमें सफिशियंट, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई लंग्स डैमेज होता है, लंग्स डिसऑर्डर होता है, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपर, तो उसको क्या, जैसे बात है, वो हवा में से ऑक्सीजन तो लेकर काम चला नहीं पाएगा, उसको चाहिए 100% का प्योर ऑक्सीजन। तो उसके लिए तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लाइनें बिछी हैं, सिलेंडर्स आ रहे हैं, तो वो लगा दिया, तो वो अलग चीज़ है, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन भर के लाए और दे दिया। लेकिन क्या हो कि ऐसी एक मशीन जो कि आपको घर पे ही ऑक्सीजन बना के दे दे, तो यही है वो मशीन जिसमें आपको सिलेंडर नहीं लाना पड़ता, आपको वेट नहीं करना पड़ता, दूसरे देशों से ऑक्सीजन लाना नहीं पड़ती है, आप अपने घर में ही ऑक्सीजन को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन यही होती है कि भाई जो हमारे हवा है, सपोज इस कमरे में हवा है तो उसमें 21% की ऑक्सीजन है, सपोज मुझे चाहिए 100%। तो एक और चीज़ यहाँ पे है कि लिमिट होती है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, क्योंकि आप ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं, टैंक्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उससे आप इसको सब्स्टिट्यूट रिप्लेस नहीं कर सकते, इसकी बहुत ज़्यादा लिमिट्स होती हैं। तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति को 100% का ऑक्सीजन चाहिए, और ये जो मशीन है ये कोई 100% तो देता नहीं, ये भी मुश्किल से 98-95 इतना ही परसेंट प्योर ऑक्सीजन दे पाता है, इतना भी काफ़ी होता है। तो ये काम कैसे करता है पहले समझते हैं। इसको अगर आप खोल के देखेंगे मशीन के अंदर, तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्या, इसके अंदर कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है भाई, ये दबाता है, कंप्रेस करता है, तो हवा में से जितनी भी हवा होती है उसको कलेक्ट करके उसको दबाता है। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा हवा को दबाया जाता है तो वो हवा कम बनती है, मतलब कि उसका साइज छोटा हो जाता है, आप इस तरह से मान सकते हैं। तो गैसेस को दबाता है तो गैसेस क्या, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। अब ये जो गैसेस हैं ये आगे कहाँ पहुँचती हैं, फिल्टर पे। एक दूसरा पार्ट होता है इसका कि फिल्टर, ठीक है, फेरस जिंकॉन का फिल्टर होता है, फेरस जिंकॉन का फिल्टर होता है। अब ये जो फेरस जिंकॉन में से कंप्रेस्ड एयर जब गुजरती है तो उसमें से जो दूसरी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब अलग हो जाते हैं, तो बचती क्या, ऑक्सीजन। और बाहर से प्रोसेसर जो कंप्रेसर है प्रोसेस कर ही रहा है, ऑक्सीजन भेज रहा है 21% करके, वो इतना ज़्यादा कंप्रेस करता है एयर को कि वो बहुत सारी ऑक्सीजन इकट्ठी करके हमको दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मान सकते हैं। उसके अलावा इसके जब ये कंप्रेस्ड एयर आएगी तो वो क्या, ऑक्सीजन आएगी लेकिन वो क्या, ड्राई फॉर्म में आएगी, थोड़ी सी ड्राई रहेगी। अगर उसको कोई लगाएगा तो उसको थोड़ा सा क्या, इरीटेशन होगा, खांसी वगैरह चलेगी। तो इसके एक और पार्ट होता है ह्यूमिडिफायर, ठीक है, ह्यूमिडिफायर बोलते हैं उसे। तो ये इसमें से क्या, पानी में से वो गुजरता है, तो क्या एयर जो होती है ऑक्सीजन, वो नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है, तीन पार्ट्स होते हैं। तो एक आदमी के लिए घर पे ही उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, कार में चल रहे हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। इसकी जो डिवाइस होती है बैटरी से भी चलती है और इलेक्ट्रिक करंट से भी चलता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। अरे यार, इतनी अच्छी चीज़ है तो क्या लिमिटेशंस। देखो लिमिटेशंस ये है कि जैसे आप घर में आरओ लगवाते हैं, वाटर प्यूरीफायर, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है कि उसका फिल्टर ख़राब हो जाता है,
तो हर 6 महीने में 2 साल में उसका फिल्टर बदलना पड़ता है, ठीक। चाहे वो 20,000 का आप वाटर प्योरीफायर लगाओ, चाहे 50,000 का, फिल्टर की कीमत है। तो ये जो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन मशीन है, इसके अंदर जो फिल्टर है फेरस जिनकोन का, तो उसकी एक लिमिट होती है, वो 1.5 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। तो इतना ही चलता है ये, इसके अलावा ये ख़राब हो जाती है मशीन, ठीक है। तो अगर आप लेते हैं तो 2 साल आप पकड़ के चलोगे, 2 साल तक आपको ये ऑक्सीजन देगा, कितनी देगा ये भी समझना ज़रूरी है। 1 मिनट के अंदर ये 10 लीटर तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, 10 लीटर। और कोरोना वाले सीरियस मरीज के लिए 1 मिनट के अंदर लगभग लगभग 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? देखो, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या जिसका ऑक्सीजन का लेवल 85 से ऊपर है, 87, 86, उसके लिए सफिशियंट है, इतना ऑक्सीजन दे देता है। लेकिन अब आप सोचते हो, भाई आपके पास तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन है और कोरोना पेशेंट है और सीरियस है, 50, 60, 65 के लगभग ऑक्सीजन लेवल है, तो उसको बिल्कुल नहीं चढ़ाना वो चीज़, उसके लिए सेफ नहीं है। उसके लिए तो भैया ऑक्सीजन ही लगेगा, सिलेंडर लगेगा। तो ये क्या होता है कि कम ऑक्सीजन दे पाता है। तो जिस व्यक्ति की 85 से ऊपर ऑक्सीजन है तो उसके लिए सफिशियंट, उसका काम चल जाएगा, घर पे है, होम क्वारंटीन है, आइसोलेशन में है, इलाज चल रहा है, उसके लिए सफिशियंट होता है। तो देखो, इसलिए इसका कालाबाजारी हो रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब यहाँ पे आती बात कि मैंने आपको वेट बताया था, वजन शुरू में, तो वजन क्यों बताया था? देखो, आजकल क्या कालाबाजारी भी हो रही है और असली नकली नहीं पहचान पा रहे लोग। तो असली और नकली ना पहचानने के लिए कोई ऐसा कोई एक कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप लाते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन तो उसका आप वेट जरूर देखें, कम से कम नहीं तो 15 किलो से ज़्यादा होना ही चाहिए। कम है, 7-8 किलो का है तो वो नकली है, आप ये मान के चलो, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे इसमें टेक्नोलॉजी है, ये सब कहे दुनिया भर कमेंट करेंगे आप लोग, मुझे पता। तो उसके पीछे आप देखो कि वेट कितना है और उसका ऑक्सीजन परसेंट क्या दे रहा है, वो 95, 93, 97, ये जो भी बढ़ेगा, 100% तो कोई भी नहीं देगा। तो जितना ज़्यादा वेट होगा, आप मान सकते हैं कि वो ओरिजिनल चीज़ है, और नकली होगा तो वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का होगा और कोई काम का नहीं होगा। वजन कम होगा, इसलिए वजन जो है 15 किलो से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, और मैं आपको बता भी दिया कीमत 20,000 तक का आराम से मिल जाता था, अच्छे से अच्छा। लेकिन आज स्थिति ये है कि नकली मिल रहा है 70-80 हज़ार का, ठीक है। तो ये होता है क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको सुबह शाम मिलते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानी यार, और मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, बंदे मातरम।